गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज द वर्क बुक ऑफ इंग्लिश मैरीगोल्ड फॉर एंड टूडे वी आर गोइंग टू लर्न यूनिट फॉर चैप्टर वन वॉयस क्वेश्चन आंसर. सो हियर इज वन. ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम, वाई लैड एंड मार्बल सिंक, वाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो, एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक. One, what does the boy want to know about wood? The boy wanted to know why wood should swim. What does the boy want to know about lead and marble? Why lead and marble sink? Three, the boy wants to know why the sun shines and why the wind blows. Which word in the extract means the same as have knowledge? तो नो, नो यानी जानना, नॉलेज हैव नॉलेज यानी कुछ भी जानना. विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज एन एंटोनिम ऑफ फ्लॉट. फ्लॉट मीन्स तैरना, इसका एंटोनिम है सिंक. ही वॉन्ट्स टू नो वॉट मेक्स द क्लाउड्स एंड वाई द क्रॉस वाई दे क्रॉस द स्काई, वाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स एंड वाई द फ्लावर्स डाई. One, what does the boy want to know about the clouds? What makes the clouds and why they cross the sky? What does the boy want to know about the sun? Why the sun sinks behind the hills? What happens to the flowers? Why the flowers die? Which word in the extract means the same as submerge? Submerge yani dubna. So sink, sink matlab dubna. Antonyms of die is live. Die yani marjana, live yani jinda rehna, live. True, false. One, the poet knows a curious little boy. True. Two, the boy wanted to know why we swim. False. 3. The boy wanted to know why we eat and drink. True. 4. The boy wanted to know why the sky hits the clouds. False. 5. The boy wanted to know why the sun sinks behind the hills. True. 6. Some of the boy's questions were not too hard to answer. True. 1. Put a right mark on the correct spelling. Right marks करो correct spelling. तो यहाँ पे है ये curious यानी जो जानने की इच्छा ज्यादा रखता है. टू, marble खेलने वाली marble. Cloud यानी बादल. And reason यानी कारण. टू, given below are some words from the poem. Arrange them in डिक्शनरी सीक्वेंस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो. तो ये लिखा है, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी जो ए बी सी डी ई एफ इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो. जो ऐसे शुरू होते हो तो वो वर्ड पहले आने चाहिए, फिर बाद में बी से सी से ऐसे. तो देखो ऑलवेज पहले आया, क्लाउड्स बाद में आया, क्रॉस बाद में आया, ड्रिंक हार्ड, हील्स, लैड, रीजन, शाइन, सिंक एंड सन. तो आपको लगेगा ये क्लाउड्स एंड क्रॉस है तो इसमें क्लाउड्स पहले क्यों. तो पहला वर्ड जो होता है अगर सेम है तो उसका दूसरे वर्ड एबीसीडी वाइज देखना पड़ता है, डिक्शनरी वाइज. देखो क्लाउड है, क्लाउड में बाद में दूसरे वर्ड को एबीसीडी वाइज देखो तो इसमें एल पहले आएगा, तो एल क्लाउड्स पहले आया, ये बाद में आया. थ्री, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग फ्रेजिस. अ क्यूरियस लिटल बॉय, दो एडजेक्टिव हैं. सिंकिंग मार्बल्स, सिंकिंग यानी डूबती हुई. शाइनिंग सन, चमकता हुआ सूर्य, शाइनिंग. ब्लोइंग विंड, तो ये विंड है, ब्लोइंग कर रहा है, चल रहा है, तो विंड एडजेक्टिव है. डाइंग फ्लावर्स, तो ये फ्लावर्स हैं. राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. लिटल है तो इसका एंटोनिम
विरुद्धार्थी ऑपोजिट क्या होता है, बिग होता है। लिटल यानी छोटा, बिग यानी बड़ा, नॉन यानी जाना हुआ, अननॉन यानी नहीं जाना हुआ, अज्ञात। नाउ यानी अभी, लेटर यानी बाद में, बिहाइंड यानी पीछे, अहेड यानी आगे, ऑलवेज यानी हमेशा, नेवर या समटाइम्स यानी कभी कभी या बिल्कुल नहीं, हार्ड यानी कठोर, इजी यानी सॉफ्ट यानी मुलायम, फाउंड यानी ढूंढना, लॉस्ट यानी गुम जाना, गुम हो जाना, आंसर यानी जवाब देना, क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन व्हाई नॉट। गिव द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, सिंक तो ड्रिंक, पिंक विंक, स्काई बाय ट्राई व्हाई। मेक योर ओन सेंटेंसेस यूजिंग ईच वर्ड गिवन इन द बॉक्स। क्यूरियस वुड स्विम, क्यूरियस यानी ऐसा आदमी जो जानने की इच्छा रखता हो, वुड यानी लकड़ा, स्विम यानी तैरना। वन, देयर वॉज अ क्यूरियस लिटिल बॉय, वुड स्विम्स इन द वॉटर, पीपल स्विम इन पॉन्ड, रिवर, सी, ETC। ये क्यूरियस लिटिल बॉय। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, गुड बाय।